नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं A1 न्यूज, मैं हूं शिवम। बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां सिवान जिले के महाराजगंज प्रखंड में हुए पंचायत चुनाव में 10 नामजद एवं 15 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताते चले कि 8 दिसंबर को महाराजगंज प्रखंड दरौंदा प्रखंड में पंचायत चुनाव हुआ, जिसी क्रम में महाराजगंज प्रखंड के रिसोरा पंचायत के जगदीशपुर में बूथ पर तैनात होमगार्ड के जवान को ग्रामीणों द्वारा धुनाई कर दी गया, जिसके बाद उनका इलाज स्थानीय अस्पताल से लेकर सीमान सदर अस्पताल से चला। उनकी स्थिति अभी फिलहाल ठीक है, लेकिन उनके फर्ज बयान पर महाराजगंज थाना में 10 नामजद और 15 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताते चले कि रिसोरा के जगदीशपुर बूथ पर होमगार्ड के जवान ललन मांझी तैनात थे और लाइन में कतारबद्ध सबको खड़ा करा रहे थे। उसी क्रम में ग्रामीणों द्वारा कुछ बात को लेकर तुतुम हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा जमकर पिटाई ललन मांझी की कर दी गई, जिसके बाद उनका इलाज फिलहाल वहीं के स्थानीय अस्पताल में चला। उसके बाद उनको सीमांत सदर अस्पताल भेजा गया और उन्हीं के फर्ज बयान पर महाराजगंज थाने में FIR दर्ज कराया गया है। वहीं जगदीशपुर निवासी राम औद महतो, संतु महतो, नंदकिशोर महतो, अमरेंद्र महतो, दिलीप महतो, अखिलेश महतो, प्रेम यादव, विनोद महतो, मंटू महतो के अलावा 15 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वही थाना अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने बताया कि कानून के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो फिर से बता दें कि बड़ी खबर महाराजगंज थाने से आ रही है, जहां महाराजगंज थाने के रिसोरा पंचायत के जगदीशपुर बूथ पर पंचायत चुनाव के दिन हंगामा करने वाले होमगार्ड के जवान के साथ मारपीट करने वाले को पर नामजद प्राथमिकी और अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।